नमस्कार। आज हम देखेंगे कैरेक्टर एरे, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इसके पहले हमने देखा था इंटीजर एरे। अभी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग इज आल्सो एरे, देयरफॉर इसकी डेफिनेशन कैसी है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग जो होती है, अभी हमें जो देखना है स्ट्रिंग में, वो है सिंगल डायमेंशनल और वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है, जैसे इंटीजर एरे में आप लोगों ने देखा था कि इंटीजर एरे में अगर हम 5 की साइज देते हैं, सपोज इंटीजर एक्स ऑफ 5, तो उसमें हमें कंपल्सरी 5 एलिमेंट एंटर करने पड़ते हैं। लेकिन स्ट्रिंग के केस में कैसे होता है, अगर हम कुछ साइज स्पेसिफाई करते हैं जैसे 10 की, तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि आपको 10 कैरेक्टर पूरे डालने पड़ेंगे। आप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल द 10 आप कितने भी कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। हर एक कैरेक्टर के बाद जब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है या टर्मिनेट हो जाती है, तब सबसे एंड वाला कैरेक्टर होता है नल। इसलिए नल जो है वो हमारे एक स्पेशल लेकिन सिंगल कैरेक्टर है, इसलिए इसको हम एनक्लोज किया हमने सिंगल कोट के अंदर। और नल आपके दो सिंबल दिख रहे हैं, स्लैश एंड जीरो, बट इसको हम बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर और ओनली कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे नासिक लिखा हुआ है, तो एन ए एस एच आई के, इसका मतलब हुआ कि एस ऑफ 0 एन ए, एस ऑफ 1 ए, एस ऑफ 2 टू ए, सॉरी एस ऑफ 2 एस ए, एंड सो ऑन। तो ऐसे सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर जो है वो नल है। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ अलग स्ट्रिंग लिखी होती जैसे रेड, तो आर ई डी और यहाँ पे नल आ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जितने भी कैरेक्टर डालेंगे सबसे एंड में क्या होगा, नल। तो नल क्या करता है, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है। ओके, अभी आपको अगर याद होगा कि हमने इंटीजर एरे में जो जो भी प्रोग्राम किए थे वो सब हम अभी स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक डेमो देखेंगे स्ट्रिंग का। ओके, अभी हम स्ट्रिंग का डेमो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है, हम साइज कितनी भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कैरेक्टर उसकी नाम लिया मैंने str और इसकी साइज है 20। ओके, अभी जस्ट हमें ये काउंट करना है कि उसके इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने पुट किए हुए। जैसे मैंने बोला कि ऐसे कुछ कंपल्शन है कि आपको पूरे 20 डालने पड़ेंगे, एक से लेके 20 तक आप कितने भी कैरेक्टर डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक आई लेती हूँ और एक यहाँ पे देती हूँ लेंथ इक्वल टू 0। ओके, अभी स्ट्रिंग स्कैन करने के लिए हमारे पास एक अलग से फंक्शन है। नो डाउट आप लोग स्कैनएप फंक्शन से भी स्ट्रिंग को स्कैन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटर कर सकते हैं। लेकिन स्कैनएप में एक लिमिटेशन क्या होता है, जब भी आप स्पेस पुट करते हैं तो स्पेस के आगे की स्ट्रिंग जो होती है वो रीड नहीं होती स्कैनएप में। अगर आपको होल स्ट्रिंग है, कुछ आपको सेंटेंस टाइप करना है, और अब अगर आपको होल स्ट्रिंग प्रोग्राम के अंदर चाहिए, तो उसके लिए इट इज बेटर टू यूज गेटेस्ट फंक्शन। गेटेस्ट फंक्शन है अनफॉर्मेटेड फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। अनफॉर्मेटेड क्यों, क्योंकि इसके अंदर परसेंट डी परसेंटेज ऐसे फॉर्मेट नहीं लगते, इसलिए इट इज अ अनफॉर्मेटेड फंक्शन। ओके, जैसे गेटेस्ट से हमने स्ट्रिंग एक्सेप्ट की, वैसे ही हम पुटेस्ट से स्ट्रिंग प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो अलग से आपको पुटेस यूज करना पड़ेगा और उसमें वेरिएबल देना पड़ेगा। चलो पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले सी से सेव करते हैं। ओके, सपोज मैंने एंटर स्ट्रिंग यहाँ पे दी, हेलो स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो। ओके, लेकिन अभी हमें क्या चेक करना है कि इसके इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने पुट किए हुए हैं, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखिए उसके लिए लुक कैसे आएगा, फॉर आई इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि हम आईज लेस देन 20 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें श्योरली पता नहीं कि स्ट्रिंग के अंदर यूजर ने कितने कैरेक्टर डाले हुए हैं। इसलिए अभी स्ट्रिंग को जब भी हमें लास्ट कैरेक्टर तक जाना होता है, तो
उसको हम नल यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिंग जो टर्मिनेट होती है वो नल से टर्मिनेट होती है, तो जब तक नल नहीं आता है तब तक हमें आगे आगे जाके एक एक कैरेक्टर को रीड करना है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, और आई होना चाहिए प्लस प्लस। ऐसे हम पूरी स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं जितनी भी यूजर ने एंटर की हुई है, और लेंथ भी होनी चाहिए प्लस प्लस। ओके अभी हम प्रिंट करेंगे लेंथ। ओके ओके बेसिक लेंथ देखते हैं हम कितने आती है, 17 है। अगर आपने ठीक से काउंट की तो आपको नोटिस होगा कि स्पेस भी काउंट हो रही है। मैं एलो के 5 कैरेक्टर, ओके 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, उसके बाद स्पेस 16, 17। वैसे ही हम यहाँ पे और एक चीज कर सकते हैं, स्पेस को हम स्किप कर सकते हैं रीड करने के टाइम। उसके लिए हम लेंगे एसलिन एक अलग कैरेक्टर। अभी स्पेस नहीं चाहिए, मैं जहाँ पे स्पेस नहीं है वहीं पे सिर्फ एक काउंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे सॉरी strs इज नॉट इक्वल टू 32। विदाउट स्पेसेस यहाँ पे एस लेंथ लिखा रह गया। अभी देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर कैरेक्टर काउंट करते हैं तो 9 कैरेक्टर है और भी स्पेसेस 11 है। लुक एट द स्क्रीन। वैसे आप लोग यहाँ पे ओनली टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस भी काउंट कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल टू 32, और एक अलग से काउंटर लेना पड़ेगा तो ये भी प्रिंट करेगा टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं। वैसे भी यहाँ पे हम और एक चीज कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर है और उसका हमें ऑकरेंस देखना है कि वो कितने टाइम्स स्ट्रिंग के अंदर रिपीट हुआ है। देखिए फिर हम यहाँ पे अभी पहले स्ट्रिंग तो हमारे पास आ गई है, अभी कैरेक्टर स्कैन कीजिए। ओके अभी यहाँ पे फिर हमें सिर्फ क्या चेक करना है, कैरेक्टर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके अभी हम देखते हैं टोटल ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम देते परसेंट सी इज इक्वल टू परसेंट डी। तो पहले परसेंट सी में आनी चाहिए सी एच की वैल्यू, और दूसरे इसमें ऑकरेंस की वैल्यू। ओके यहाँ पे मैं आई डालती हूँ तो आई स्मॉल आई 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो ऑकरेंस आएगा 3। अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर भी स्मॉल ले लेती हूँ तो वो भी आता फिर आता 4। ओके तो ऐसे आप ऑकरेंस भी चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल होती है स्ट्रिंग हैंडल करना। अभी हम ऐसे कुछ प्रोग्राम देखते हैं जो हमने एरे के अंदर किए थे और इसे सेम हम स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं।
देखिए, जैसे हमने एरे में कॉपी की थी वैसे हम स्ट्रिंग के अंदर भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो सिंपल था कॉपी का, y ऑफ 0 इक्वल टू x ऑफ 0। वैसे आपको ये पे सेम लॉजिक लगाना है, एक वेरिएबल सेट करना है i इक्वल टू 0 नल तक जाएगा, और एस टू के अंदर एस वन को आपको कॉपी करना है जब तक नल नहीं आता एस वन का। ओके, उसके बाद आप रिवर्स में भी कॉपी कर सकते हैं। अभी रिवर्स में कॉपी करने के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट कैरेक्टर है वहां पे एक काउंटर सेट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि लास्ट कैरेक्टर कैसे देखेंगे, तो पहले आपको लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लेंथ माइनस वन को लास्ट कैरेक्टर लोकेशन को आपको एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। अगर इस स्ट्रिंग का वेरिएबल प्लस प्लस होगा तो इस स्ट्रिंग का वेरिएबल माइनस माइनस होगा, तो वैसे आपको लूप सेट करना पड़ेगा, एक प्लस प्लस करना पड़ेगा एक काउंटर को और एक को माइनस माइनस, तो ये कॉपी कैरेक्टर एरे इन रिवर्स आ सकता है। उसका कॉन्केटिनेशन है, आपको याद होगा कि हमने मर्ज एरे किया था, मर्ज एरे के अंदर पहले फर्स्ट एरे स्टोर हुआ था और उसके बाद सेकंड एरे गया था। सेम लॉजिक यहाँ पे, पहले आपको एस वन की स्ट्रिंग पूरी रीड करनी नल तक, और वो एस थ्री के अंदर स्टोर होगी। एस थ्री के लिए हमें सेपरेट से के इक्वल टू 0 सेट करना पड़ेगा और के प्लस प्लस होगा। उसके बाद एस टू वाली स्ट्रिंग जहाँ पे के की लोकेशन होगी, क्योंकि ब्लू स्टोर होने के बाद के की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, और वहां से फिर अगली स्ट्रिंग पूरी स्टोर होनी चाहिए नल तक, तो आपको आता है ये आता है कॉन्केटनेशन ऑफ स्ट्रिंग। वैसे सेम इंटीजर एरे जैसे आप स्वैपिंग कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे स्वैपिंग के लिए आपको लेना है सिंगल कैरेक्टर। टेम्प हमने वहां पे इंटीजर दिया था, यहाँ पे आपको कैरेक्टर लेना है, और लॉजिक वही आएगा, टेम्प इक्वल टू एस वन ऑफ आई, एस वन ऑफ आई इक्वल टू एस वन एस टू ऑफ आई, एस टू ऑफ आई इक्वल टू टेम्प। ओके, तो ये सारे प्रोग्राम आप उसके अंदर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम से हमने इंटीजर एरे के अंदर किए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग है इतना आपको याद रखना है, और हर टाइम आपको सिर्फ नल तक जाके ही रीड करना है। अभी कुछ अलग प्रोग्राम है वो देखते हैं, जैसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अभी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के केस में क्या लॉजिक होता है कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग, जैसे पैलिंड्रोम नंबर का था ना, नंबर इक्वल टू रिवर्स ऑफ दैट नंबर। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हमें थोड़ा अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लोकेशन को एक आई सेट किया आई इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा जे, और जे कहाँ पे होगा लेंथ माइनस वन को, तो पहले हमें लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो आई इक्वल टू जे होना चाहिए, एस वन ऑफ आई इक्वल टू एस वन ऑफ जे, आई प्लस प्लस होगा और जे माइनस माइनस होगा, तो ए इक्वल टू ए, डी इक्वल टू डी, अगेन जे पीछे जाएगा आई आगे जाएगा, ए इक्वल टू ए, एम इक्वल टू एम। अगर सब कुछ सेम है तो हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो देखते हैं हम एग्जांपल, अभी हम देखते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सिंपली हमें एक स्ट्रिंग लेनी है, एस वन लिया सपोज, कुछ साइज लेनी है उसकी 10 20, हमें आई तो लगेगा और जे भी लगने वाला है, और जैसे अभी हमने देखा लेंथ इक्वल टू 0 भी लगेगा, और यहाँ पे और एक चीज लगेगी हमें, वो होगी फ्लैग, क्योंकि हमें लुक के अंदर चेक करना पड़ेगा ना आई इक्वल टू जे है कि नहीं, इसके लिए हमें फ्लैग भी लगने वाला है। ओके, पहले हम लेन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो लॉजिक कैसे था हमारा, आई सेट होना चाहिए फर्स्ट लोकेशन को और जे सेट होना चाहिए लेंथ माइनस वन को। ओके, एस वन ऑफ आई जाएगा नल तक, आई होना चाहिए प्लस प्लस और जे होना चाहिए माइनस माइनस, और फिर हमें चेक करना है इफ एस वन ऑफ आई
इज इक्वल टू राइट इस वन ऑफ जे है, तो फ्लैग की वैल्यू होनी चाहिए वन, बट नहीं है तो अगर एक एक भी लोकेशन को कैरेक्टर अगर मिसमैच हो जाता है तो फ्लैग की वैल्यू होनी चाहिए जीरो और फॉरन ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि एक भी लोकेशन को अगर मिसमैच हो जाता है तो हमें आगे का इसका मतलब वो स्ट्रिंग पैरेलल है ही नहीं, ओके लूप क्लोज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू वन होगा तो यू कैन से डेट मैं फिर से सेम ही स्ट्रिंग देती हूँ, मैडम स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर मैंने कुछ ऐसे स्ट्रिंग लिखी ओके यहाँ पे देखिए एम इक्वल टू एम है, ए इक्वल टू ए है, लेकिन एल इक्वल टू वाई नहीं है, तो अभी इस केस में क्या होगा हमारे फ्लैग की वैल्यू जीरो हो जाएगी और ब्रेक लेके बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैसेज क्या आने वाला है स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके तो ऐसे कुछ स्ट्रिंग है, अगर हमने ब्रेक नहीं लिया होता तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है यहाँ पे, उसने दिखाया होता स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि लास्ट लोकेशन पे एम इक्वल टू एम मैच हो जाता और फ्लैग की वैल्यू वन हो जाती है, इसलिए स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी आपको लगता है कि फ्लैग जीरो होता है तो फॉर्म भर आ जाइए, इसका मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ओके तो आप ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग डाल के देख सकते हैं, बहुत सिंपल है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। उसके बाद अभी इसको ही मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, अभी सपोज मुझे ये स्ट्रिंग अपर केस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये वाली स्ट्रिंग मुझे अपर केस में चाहिए तो हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे अभी यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, लिंक की जरूरत नहीं है, हम यह डायरेक्टली बोलेंगे अगर स्ट्रिंग की वैल्यू स्मॉल है तो ये अपर होनी चाहिए ना, तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू होती है कैपिटल की 65 टू 90। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एस वन ऑफ आई इज इक्वल टू एस वन ऑफ आई माइनस 32, तो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगी अगर कैपिटल है तो, या फिर हम उल्टा करते हैं, हम स्मॉल में डालते हैं और कैपिटल में चेक करते हैं। देखिए उसके लिए फिर कैसे लॉजिक लगाना पड़ेगा, ग्रेटर इक्वल टू 97 एंड लेस देन इक्वल टू राइट 122 है तो हाँ अभी ये राइट है माइनस 32, पहले के केस में प्लस चाहिए था। ओके ठीक है तो केस कन्वर्ट हो जाएगी उसके और हमें वो सिंपली प्रिंट करने हैं। परसेंट एस जाके सिंपली आपको यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके लेकिन जो स्मॉल है वही कैपिटल होगा, इसी प्रोग्राम को आप लोग चेंज कर सकते हैं और दोनों टाइप का बना सकते हैं, अगर कैपिटल डाला है तो स्मॉल होना चाहिए और स्मॉल डाला है तो कैपिटल होना चाहिए, इसको आपको और एक इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी और प्लस 32 करना पड़ेगा। ओके अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आएगा यहाँ पे वो है एक्रोनिम ऑफ स्ट्रिंग। अभी एक्रोनिम का लॉजिक देखिए कैसा है,
आपके पास एक स्ट्रिंग है और जैसे चीफ स्पेस मिनिस्टर है तो एक्रोनिम के अंदर आंसर आना चाहिए CM। इसका मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर एंड सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर। आप थोड़ा सोचेंगे तो हम जब कुछ भी पढ़ते हैं तो हम वर्ड कैसे सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे भी स्पेस आती है तो स्पेस का अगला कैरेक्टर हमें एक्रोनिम के लिए चाहिए। फिर फर्स्ट कैरेक्टर का क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए हम डायरेक्ट 0 की वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो ऐसे हम एक्रोनिम देख सकते हैं। तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे स्पेस आती है। जहाँ पे स्पेस आते हैं उसके आगे का एक कैरेक्टर हमें एक्रोनिम में चाहिए। अब इसके लिए कितनी होगी वी डोंट नो, तो इसके लिए हम के इक्वल टू 0 फिर से अलग से सेट करेंगे। ओके, देखते हैं। ओके, अभी हमें देखना है एक्रोनिम। अभी हमारे पास स्ट्रिंग है एक्रोनिम के लिए और एक स्ट्रिंग है SER। एक्रोनिम के लिए हमें K इक्वल टू 0 भी चाहिए, ठीक है। अभी पहले हमें क्या करना है, SER ऑफ K में हमें चाहिए S1 ऑफ 0, तो फर्स्ट लेटर हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे लॉजिक क्या है हमारा, हमें शुरू से लेके नल तक जाना है और क्या चेक करना है, कहाँ पे स्पेस आ रही है। इसका मतलब इक्वल टू अगर 32 है तो स्पेस के आगे की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। अभी अभी हमें पता है कि आई लोकेशन को स्पेस है तो आई के आगे की वैल्यू मतलब i+1 और फिर से होना चाहिए k++। ओके, और उसके बाद हम एक्रोनिम प्रिंट करेंगे। अभी आप बोलेंगे कि ये क्या है, इसको हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। अगर आपको ये वैल्यू अवॉइड करनी है, गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अभी आपको ये तो पता है कि S1 हमने खुद एंटर की है तो उसमें नल बाय डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन ACR हमने बनाई हुई है उसमें नल नहीं है, तो उसको हम टर्मिनेट करेंगे बाय यूजिंग नल कैरेक्टर। तो इससे आपको गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। CID आना चाहिए था ना, CIC कैसे आया देखते हैं। ओके, उसकी लेंथ ज्यादा हो गई तो यहाँ पे लेंथ हम ज्यादा लेते हैं 50 की, इसे सेम स्ट्रिंग डालते हैं। देखिए अभी राइट आएगा CID। ऐसे आप अलग अलग स्ट्रिंग डाल के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे हम वर्ड काउंट करने के लिए स्पेस का लॉजिक लगा रहे हैं ना, तो सॉरी एक्रोनिम के लिए स्पेस का लॉजिक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं। वर्ड्स इक्वल टू 1 लेना है क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग में फर्स्ट स्पेस नहीं होती, फर्स्ट वर्ड ही होता है। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो भी प्रिंट कर सकते हैं।
चार डे, तो टर्म ऑफ फोर साइड है थ्री। ओके, तो सिंपल सा था एक्रोनिम का। अभी इससे आप एक असाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने हमने पहले प्रोग्राम में कन्वर्जन किया था कि स्मॉल टू कैपिटल, तो इसमें आप टाइटल केस का कर सकते हैं। जैसे आप एक को आपको एक स्ट्रिंग एंटर करनी है पूरी स्मॉल केस में, और उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टाइटल केस। तो वहाँ पे भी आपको स्पेस का लॉजिक लगेगा। अभी इस प्रोग्राम के बाद आपको प्रोग्राम इजीली आ जाएगा, प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग टू टाइटल केस, वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है काउंट वोवेल्स। ये बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है और एक हमारे पास और एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ओवेल्स है, AEIOU। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर दोनों हो गए स्मॉल एंड कैपिटल, तो हमें दोनों काउंट करने हैं, और यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ स्मॉल ही है, तो हमें क्या पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे उसको पहले हमें स्मॉल केस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर इस जो वी वाली स्ट्रिंग है इसका एक कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ए लिया, तो ए को हमें शुरू से लेके नल तक सबके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इक्वल है देन ओनली काउंटर प्लस प्लस होना चाहिए। फिर हम ई को लेंगे, ई को फिर से हमें जीरो से नल तक सबके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इसके इसका मतलब इसको हमें लगेगा नेस्टेड लूप। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर दूसरे पूरे स्ट्रिंग के साथ कंपेयर होना चाहिए, तो नेस्टेड लूप लगने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है इनक्रेडिबल इंडिया, इसमें आप काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ओवल्स है 7। ओके, तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे आएगा। ये हमारे पास टाइप किया हुआ। ओके, अभी यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों भी है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है स्मॉल वाला। तो एक हमने स्ट्रिंग ली जिसकी साइज है 5। अभी ये तो फिक्स है ना, कम भी नहीं होने वाला और ज्यादा भी नहीं। एक स्ट्रिंग ली, आई जे और ओवर इज इक्वल टू 0 है, तो पहले हमें स्ट्रिंग एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे फर्स्ट टास्क क्या है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो अब स्मॉलर केस में, तो उसके लिए फिर से हमें देना पड़ेगा स्ट्रिंग के नल तक जाओ, ओके। और यहाँ पे हम बोलेंगे अगर स्मॉल कैपिटल है तो भी स्मॉल होना चाहिए, तो सिंपली हम करेंगे स्ट्रिंग ऑफ आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ आई प्लस 32, सॉरी -32। नो नो नो, यहाँ पे प्लस आना चाहिए क्योंकि 65 प्लस 32 क्या, तो हमें आएगा 97 जो स्मॉल का वैल्यू है। ठीक है, ओके। जैसे हमें पता है ओवल के लिए हमने एक लूप सेट किया जो आउटर होगा, क्योंकि इसका एक ही कैरेक्टर हमें लेना है और पूरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना है। अगर इक्वल है तो काउंटर प्लस प्लस होना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। सेम स्ट्रिंग डालते हैं हम, ये देखिए 7 आ गए। अरे इसमें भी 7 ही है। ओके, अभी उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आता है इंसर्शन ऑफ स्ट्रिंग। अभी इंसर्शन ऑफ स्ट्रिंग में क्या होने वाला है देखते हैं। ओके, अभी हमें देखना है इंसर्शन ऑफ स्ट्रिंग।
देखिए अभी पहले मैं इसको आपका आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। हमारे पास है मेन स्ट्रिंग, अगर हमने मेन स्ट्रिंग दी हैप्पी ईयर, फिर हमारे पास है सब स्ट्रिंग न्यू, और हमारे यूजर को पूछना है लोकेशन, क्योंकि मेन स्ट्रिंग भी यूजर ने एंटर किया और सब स्ट्रिंग भी यूजर एंटर करने वाला, तो लोकेशन भी उसकी चॉइस है। तो यहाँ पे मुझे हैप्पी के बाद ईयर चाहिए, हैप्पी के बाद न्यू चाहिए, तो मैं लोकेशन काउंट करूंगी 1 2 3 4 5, इसका मतलब मेरा लोकेशन है 6। देखिए उसके बाद आएगा हैप्पी न्यू, ये हुआ फाइनल स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग हम फॉर्म कैसे करेंगे, पहले प्रोसेस में हमें सिर्फ हैप्पी चाहिए, इसका मतलब 0 से लेके लोकेशन -1 तक की स्ट्रिंग चाहिए फाइनल स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद न्यू तो पूरा चाहिए हमें, होल स्ट्रिंग चाहिए, सब स्ट्रिंग वो हमने एंटर कर दी, कॉन्केट कर दी फाइनल के अंदर, बीच में हमने स्पेस भी डाल दी। और उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग है, रिमेनिंग स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, लोकेशन -1 से लेकर नल तक, तो स्ट्रिंग भी हमें चाहिए एज अ फाइनल स्ट्रिंग। ठीक है देखिए फिर अभी बहुत सिंपल सा है, हमने लिया मेन स्ट्रिंग 30 का है, सब स्ट्रिंग 20 एंड फाइनल स्ट्रिंग 50, आई के इक्वल टू 0 और लोकेशन लगेगी, एंटर मेन स्ट्रिंग, एंटर सब स्ट्रिंग और एंटर लोकेशन। तो पहले लॉजिक क्या बोला था मैंने, हमें मेन स्ट्रिंग को रीड करना है ओनली अप टू लोकेशन -1, तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम और लोकेशन -1 तक जाएंगे, और जो भी स्ट्रिंग है वो फाइनल स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर दिया और के प्लस प्लस किया। उसके बाद हमने स्पेस डाली है, तो स्पेस हमने सेपरेटली डाली है, तो स्पेस के लिए हमने जस्ट 32 को असाइन कर दिया, तो स्पेस जाएगी उसके अंदर और के प्लस प्लस का हो जाएगा। अभी सब स्ट्रिंग हमें पूरे चाहिए, तो 0 से लेके हमें पूरे नल तक जाना है, और सब स्ट्रिंग हमें पूरे फाइनल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करके लेनी है। और उसके बाद फिर से हमें स्पेस चाहिए, अभी रिमेनिंग स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें लोकेशन -1 से लेकर नल तक, ओके, और बाद में फाइनल स्ट्रिंग को टर्मिनेट कीजिए, ओके। देखते हैं, फिर से हमने डाला हैप्पी ईयर, आप आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल सकते हैं, और सब स्ट्रिंग के अंदर मिडिल नेम डालिए और लोकेशन दीजिए, ये देखिए। इसी में फिर से रंग के यहाँ पे डाला मैंने मुंबई सिटी, यहाँ पे डाला मैंने मेट्रो, अभी लोकेशन यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 है लोकेशन, ओके। तो ऐसे आप स्ट्रिंग हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसमें सब स्ट्रिंग में आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक पूरी स्ट्रिंग आपने एंटर की, जैसे मैंने एंटर किया मुंबई, तो मुझे कुछ लोकेशन यूजर को पूछना है स्टार्ट एंड एंड लोकेशन, वहां से स्ट्रिंग हमें रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी आपको रिवर्स का लॉजिक पता है, रिवर्स कैसे करते हैं, हमें एक को माइनस माइनस करना है और एक को प्लस प्लस करना है, तो वैसे भी आप सब स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, मीन्स उसके अंदर की स्ट्रिंग रिवर्स करके उसके अंदर ही स्टोर करनी है आपको, ओके। अभी ये सब हुआ स्ट्रिंग के प्रोग्राम, बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रिंग में फंक्शन कैसे यूज करते हैं, और स्ट्रिंग के भी खुद के बहुत सारे फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन, वो हम देखेंगे, वो बहुत सिंपल सा और छोटा सा लेक्चर होगा, ओके। धन्यवाद।